केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें कि दरअसल सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5% दैनिक भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बढ़े हुए भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और साथ ही करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। वहीं इस निर्णय की वजह से सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।